तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके पे। तो आज फिर से पुनः उपस्थित हैं जीके का क्वेश्चन लेकर, जो बिहार बीपीएससी टीचर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आप लोग के बीच, उसी तरह आप लोग भी हमें प्यार दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो ये बीपीएससी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही मदद देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि प्राचीन भारत का पुराना राजवंश कौन सा है। चीन भारत का पुराना राजवंश कौन सा है? आपके ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण और वर्धन। तो देखिए, प्राचीन राजवंश पूछे तो वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश आपका सही जवाब होगा, मौर्य इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भाषा विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है अंग्रेजी, रूसी, मंदारिन और जापानी। तो देखिए, सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाती है वो चीनी भाषा। चीनी भाषा को ही मंदारिन भाषा कहा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा मंदारिन। और इसी का मंदारिन का ही अलग नाम है चीनी। तो चीनी भाषा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पुराने लिच्छवी राज्य का राजधानी थी? तो देखिए, पाटलिपुत्र में, नालंदा में, वैशाली में और गया में। तो देखिए, पुरानी लिच्छवी राज्य का राजधानी जो था वो वैशाली में था। वैशाली इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस प्रश्न का सही जवाब है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन एग्जाम के क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आता है कि 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए, वो थे हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह, आरा से संबंधित हैं। तो देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालक्रम के दृष्टि से इनमें से कौन सा क्रम सही है? देखिए, राजधानी दिल्ली से देवगिरी, कुतुब मीनार का निर्माण और तराइन का युद्ध और अलाउद्दीन के पद्मिनी प्रकरण। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा सी बी डी ए। तो सबसे पहले तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था, उसके बाद अलाउद्दीन का पद्मिनी प्रकरण हुआ था, उसके बाद हुआ था राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण। कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, तो यह लंबाई कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु नदी का लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई है। देखिए, ये होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो लंबाई है वो 2880 है। आप लोग याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई भारत में जो है 2880 किलोमीटर में है। सिंधु नदी के कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा? तो देखिए, इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम किसने लिखा? तो ये बहुत ही बड़े हमारे साइंटिस्ट ए पी जे अब्दुल कलाम और
वाई एस राजन दोनों मिलकर ये पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत में अपनी सर्वोच्च सीमा या शिखर पर पहुंचती है। तो देखिए ऑप्शन है रत्नापुरी, सह्याद्री, खंडाला और इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के सर्वोच्च सीमा या शिखर पर पहुंचती है, इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो धूपगढ़ी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है धूपगढ़ी की ऊंचाई जो है वो 1350 मीटर है। तो ये भी आप लोगों को याद करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा को क्या नाम है। गंगा नदी की सबसे पूर्व की ओर बहने वाली शाखा को क्या नाम है। तो देखिए ये नाम है पद्मा। पद्मा इस प्रश्न का सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथकली है। कथकली इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी होने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, तो वो है 25 वर्ष का। 25 वर्ष अगर आपको होता है तो लोकसभा चुनाव आप लड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं का बनाए जाने के लिए नियमों का वरीयता प्राथमिकता देता है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 13वां। 13वां इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधान पालिकाओं की ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, तो देखिए ये है विधान पालिका परिषद। जब विधान पालिका पूछे तो विधान पालिका परिषद हो जाएगा, और यही ऊपरी सदन सिर्फ ऊपरी सदन पूछता तो आपको राज्यसभा हो जाता और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो वो है देखिए राज्य का पूछा है लेकिन इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो राज्यपाल होता है, वो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रांत राज्यपाल उसके स्थान पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संविधान को संशोधन से संबंधित है। संशोधन से संबंधित है, तो वो है 368वां, संविधान के संशोधन से संबंधित है। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है। हिंदी भाषा में बिहार का क्या अर्थ है, तो इसका सही जवाब होगा बौद्धों का मठ। हम लोग देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला नायलन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नायलन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है मुंगेर। मुंगेर इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को समता दल के नेता नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो देखिए सबसे पहले बार पूछ रहा है तो किस दल के नेता थे, तो समता दल के नेता थे, तो इसका सही जवाब होगा 3 मार्च 2000 को समता दल के नेता नीतीश कुमार ने पहली बार शपथ लिया था। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना। भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन बना, तो वो है झारखंड। तो बना था
15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये झारखंड का स्थापना हुआ था। किसने कहा था कि शक्ति बंदूक के नली से निकलकर आती है? किसने कहा था शक्ति बंदूक के नली से निकलकर आती है? तो ये है माओत्से तुंग ने कहा था कि शक्ति बंदूक के नली से निकलकर आती है। आगे क्वेश्चन है आप लोगों के बीच के, बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? बद्रीनाथ किस देवता को समर्पित है? तो वो हैं विष्णु। बद्रीनाथ जो हैं वो विष्णु के देवता को समर्पित है। तो आगे क्वेश्चन है आप लोग बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु की अनुमान लगाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वह है, देखिए, एजिंग, इंक्रिप्शन, डेंटिंग, क्रोनोलॉजी। तो देखिए पुरातत्व विभाग में जो होता है वो डेंटिंग से होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डेंटिंग। तो डेंटिंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गई? तो देखिए इसका सही जवाब होगा लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो 1920 में बनी और 1946 में भंग हो गई। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा देश है जहां 1997 में एक महिला राष्ट्रपति के स्थान पर दूसरी महिला राष्ट्रपति की स्थापित हुई? देखिए ऑप्शन है आयरलैंड, इटली, कोस्टारिका और श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा आयरलैंड। आयरलैंड उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताइए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। तो इसका सही जवाब होगा स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस जो है वो अपने भौतिक क्षय तंत्रिका खो चुका है और सिर्फ कंप्यूटर की बात वह कुछ कह पाता है। आगे है कि सुश्री शिवांगी पारिख ने 1999 में कौन सी प्रसिद्ध किताब पाया था? सुश्री शिवांगी पारिख ने 1999 में कौन सा किताब पाया था? तो वो था मिस एशिया पैसिफिक। मिस एशिया पैसिफिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रचूड़ समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है? चंद्रचूड़ समिति का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो वो है मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना। मैच फिक्सिंग और शर्त लगाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस देश में अप्रैल 2000 में विश्व युद्ध द्वितीय समाप्त होने को लेकर अब तक 98 सरकार बनी है? तो वो है फ्रांस। फ्रांस इस प्रश्न का सही जवाब है। कि किस संस्थापक देश को 8 वर्षों के अलगाव के पश्चात नवंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश मिला है? देखिए करेंट अफेयर भी बहुत पूछता है, तो आप लोग करेंट अफेयर का सीरीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा युगोस्लाविया। युगोस्लाविया। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रजेल्स में किन दो देशों के बीच यूरो 2000 फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस और इटली के बीच। फ्रांस और इटली के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2000 में लंदन के ब्रेगेंज विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? तो वो है व्लादिमीर क्रोमनिक। व्लादिमीर क्रोमनिक। जनवरी 2001 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला समाप्त होने पर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार कितने टेस्ट मैच जीते हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15। 15 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2000 में डेविस कप किसने जीता? नवंबर 2000 में डेविस कप किसने जीता था? तो वो है स्पेन। स्पेन इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए 2000 का सवाल है इसलिए 2000 के करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोगों को 2023 पर ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है करंट अफेयर पर। भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
भारत के 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं प्रोफेसर अमीर खुसरो, प्रोफेसर अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का नाम क्या है? भारत के हरित क्रांति के मुख्य निर्माता का क्या नाम है? तो वो हैं एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे है भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के जीवन काल क्या है? भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो वो है 1902 से 1979 तक। 1902 से 1979 ईस्वी तक लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल रहा। आगे क्वेश्चन है कि किस देश ने सरकारी सेवाओं के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की? तो वो है चीन। चीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत के राष्ट्रीय आय समक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में राष्ट्रीय आय लेखा समक किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत में कृषि फसलों को समर्पित कीमतें प्रस्तावित की जाती है। तो कीमतें प्रस्तावित की जाती है कृषि लागतें और कीमत आयोग के द्वारा। कृषि लागतें और कीमत आयोग के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत में दालों के उत्पादन में आधे के बराबर योगदान करता है? आधे के बराबर योगदान देता है। तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो आगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जब? तो इसका सही जवाब होगा आयात निर्यात से अधिक हो। आयात निर्यात से अधिक हो तो प्रतिकूल प्रभाव होता है। भारत में सर्वोच्च वित्तीय सत्ता है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्वोच्च वित्तीय सत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो वो है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष है विश्व बैंक का दूसरा नाम। तो आगे क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो है मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 में अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार के विजेता कौन है? तो देखिए 1998 पूछे अर्थशास्त्र, तो उसका सही जवाब हुआ अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के विजेता हुए थे। भारत में एक रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो वो है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि टॉर्च लाइट में प्रयोग होने वाला सेल होता है? तो ये है लेकलान से सेल। टॉर्च लाइट में लेकलान से किस वस्तु का प्रयोग वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब के प्रयोग से मिल सकती है? तो है साधारण दर्पण। तो इसको जरूर आप लोग याद करते चलिएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किस विद्युत कनेक्टिविटी से अधिक होती है? निम्नलिखित पदार्थों में से किस विद्युत कनेक्टिविटी से अधिक होती है? तो इसका सही जवाब होगा चांदी। तो चांदी में विद्युत का सबसे अधिक कनेक्टिविटी होती है। फिर भी घरों में चांदी का प्रयोग बहुत ही कम होता है क्योंकि चांदी महंगा होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा चांदी। आगे हम लोग देखेंगे कि द्रव्यों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? द्रव्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, इनका एक निश्चित आकार होता है। इनका एक, क्योंकि द्रव का कोई आकार नहीं होता है, यही आप लोगों का गलत है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक निश्चित आकार होता है। आगे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण में उसको कहते हैं, किसी वस्तु का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण को उसका भार कहते हैं।
तो भार इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है आप लोग के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार की कमी के बराबर होती है, तो ऑप्शन सी सही है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर होता है। कि परमाणु नाभिक विघटन में प्रक्रिया में होती है जिसमें, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग के बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि परमाणु नाभिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो ये है अल्फा कण निकलते हैं। आगे हम देखिएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार तो देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जब प्रिज्म से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो रंगों का समूह उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो वो है वर्णक्रम कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी तरंग लंबाई का प्रकाश होता है तो वो होता है बैंगनी। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे तो वो है जे जे थॉमसन। तो आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ट्रिक आप लोग लेना चाहते हैं तो वो है द गोपीचंद से आप लोग याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक आप लोग याद हो जाएगा। तो देखिए द से आप लोगों को याद करना है थॉमसन और द गोपी से गोल्डस्टन चंद से चैडविक, तो आप लोगों को ये ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। देखिए आगे क्वेश्चन है कि हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर है तो उससे पानी का घनत्व हाइड्रोमीटर है कि खाद ऊर्जा मापी जाती है तो वो है कैलोरी में खाद ऊर्जा मापी जाती है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत विस्थापन में फ्यूज वायर का उद्देश्य होता है। देखिए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि विद्युत धारा के उच्च कर्षण से भवनों को नुकसान से बचाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो वो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के इलेक्ट्रॉन में होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सा धातु नमक के तनु अम्ल क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। देखिए हाइड्रोजन गैस नहीं देती है वो है तांबा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा तांबा। आगे क्वेश्चन है कि एक गैस का आयतन उसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात के होता है, यह नियम का क्या नाम है। फिर से क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिएगा कि एक गैस के आयतन उसकी दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो इस नियम से संबंधित है, तो वो है बोल के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं कहलाते हैं, वे अणु या परमाणु धन या ऋण चार्ज लेते हैं कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा आयंस। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। लौह की चादरे पर जिंक चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो वो है गैल्वेनाइजेशन, जिसको जस्तीकरण भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है। देखिए जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होता है क्या कहलाता है, तो देखिए वो कहलाता है कठोर जल
कठोर जल। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।